हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर ईशा वाशने और आज हम बात करने वाले हैं हमारे टॉपिक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में स्कूल इंस्ट्रक्शन के बारे में। अगर हम स्कूल इंस्ट्रक्शन के बारे में सबसे पहले बात कर रहे हैं तो जो टर्म है हेल्थ इंस्ट्रक्शन इज सिंपल वर्ड्स मीन्स इंस्ट्रक्शन इन हेल्थ। इट्स मेन पर्पस इज टू इक्विप द स्टूडेंट विद सफिशिएंट नॉलेज अबाउट हेल्थ सो दैट दे मे बी एबल टू अटेन एंड मेंटेन द हाईएस्ट पॉसिबल हेल्थ ऑफ लेवल ऑफ हेल्थ। द स्कूल हैज मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एरिया ऑफ हेल्थ इंस्ट्रक्शन। It should instruct youth in such things as the structures and functioning of their bodies, the causes and method of preventing certain disease, the factor that contribute to the maintain good health and the role of the community in the health program. यहाँ पर जो हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हम कह सकते हैं स्कूल की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को प्रॉपर एक हेल्थ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करे और बच्चों से वो फॉलो करें। तो यहाँ पर जब हम इंस्ट्रक्शन की बात करें हेल्थ इंस्ट्रक्शन की तो किसके जो हेल्थ के बारे में ही रिलेटेड करते हैं, जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना, खाना खाने के बाद भी हाथ धोना, वॉशरूम यूज़ करके हाथ धोना। आजकल COVID-19 जो बीमारी चल रही है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, मुंह पे मास्क लगाना, कोई भी चीज़ डायरेक्ट हाथ से ना टच करके, अगर आपको स्नीजिंग आ रही है तो आप कोहनी का यूज़ कर सकते हैं, अपनी नीक का यूज़ कर सकते हैं पॉइंट से। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, स्कूल जो है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है और बच्चे उसको फॉलो। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे डीके बर्ली की। हेल्थ इंस्ट्रक्शन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस डायरेक्टेड टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ फेवरेबल हेल्थ नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस। स्वास्थ्य निर्देश शिक्षण अनुभव का संगठन है जो अनुकूल स्वास्थ्य ज्ञान के दृष्टिकोण और अभ्यास के विकास के लिए निर्देशित करता है। तो यहाँ पर बेस्ट क्लियर किया गया है कि हेल्थ इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक लर्निंग है या उसका एक्सपीरियंस है, लर्निंग एक्सपीरियंस है जो डायरेक्ट एक हम डेवलपमेंट की बात करते हैं या और वो है किसके बारे में, हेल्थ की नॉलेज के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में और उसकी क्या करनी है बच्चे को प्रैक्टिसेस में उसको लाना है। तो ये डीके वर्ली ने एक डेफिनेशन दी। हेल्थ इंस्ट्रक्शन की एम क्या है? हेल्थ इंस्ट्रक्शन की एम है इंस्ट्रक्शन इज टू एक्टेन pupils about the functioning of the various organs of the body, the rules of health and hygiene and methods of curing disease. यहाँ पर जो health instruction का जो aim है वो aim ये है कि जो हमारे body के organs हैं या हम कहते हैं parts हैं, हमारे body part हैं, वो proper functioning करनी चाहिए। ठीक है, तो उनकी functioning कैसे होगी या कैसे करती है वो सारी चीज़ें हम health instruction में बताएंगे। मेथड्स ऑफ इम्पार्टिंग हेल्थ इंस्ट्रक्शन, कौन कौन से मेथड्स यूज करने चाहिए स्कूल को जिसके थ्रू बच्चे को उसके बारे में नॉलेज हो, तो ये चीज़ें कैसे पूरी की जा सकती हैं, उसके बारे में महत्वपूर्ण जो तरीके हैं उसके इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं वो किस तरीके से हम बच्चे को हेल्थ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सबसे पहला आता है हेल्पफुल इन्वायरमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। सबसे पहला हमारा काम है स्कूल का जो हेल्थ प्रोग्राम बनाते हैं कि उनका इंस्ट्रक्शन देने में कि वो स्कूल को एक हेल्दी इन्वायरमेंट दें जहाँ पर प्रॉपर क्लीननेस का ध्यान रखा जाए, एक हरा भरा इन्वायरमेंट जैसे ग्रीनरी होनी चाहिए, प्लांट्स लगे होने चाहिए साइड से, क्यारियाँ प्रॉपर बनी हुई होनी चाहिए, जो प्लेग्राउंड है वो अलग साइड में होना चाहिए, स्कूल जो है आपका भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं होना चाहिए जहाँ पर गाड़ियों की आवाज़ और वहाँ का धुआं आए किसी फैक्ट्री के पास ना हो जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्लास में प्रॉपर इक्विपमेंट्स यूज करने चाहिए या इंफ्रा अच्छा होना चाहिए,
वेंटिलेशन का ध्यान रखा होना चाहिए, बच्चों के बैठने के लिए उनके पोस्चर्स ना मतलब प्रॉपर खराब ना हो, उसके लिए एक प्रॉपर टेबल चेयर उनकी अकॉर्डिंग, उनकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लाइफ में वो कैसे उसको मतलब कौन कौन सी जो हैबिट्स हैं, हेल्दी हैबिट्स हैं, उनको कैसे फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको बताते रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक हेल्पफुल इन्वायरमेंट जो इंस्टीट्यूशन है उनको देना है। सिस्टमेटिक हेल्थ इंस्ट्रक्शन, स्कूल की ड्यूटी होती है कि जो बच्चे को इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं वो सिस्टमेटिक वे में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई चीज़ पहले, जैसे आपने एयर पॉल्यूशन के बारे में पहले बता दिया, आपने यही नहीं बताया कि पॉल्यूशन है क्या। अगर आप बॉडी की बात कर रहे हैं तो पहले आप सेंसेस की बात कीजिए, आप स्टमक की बात करें पहले एंटेसाइन अंदर की बातें करे जा रहे हैं, अंदर की बॉडी पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब आप जो भी बात कर रहे हैं बच्चे को, जैसे डाइट के बैलेंस डाइट के बारे में बताते हैं तो उसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी बताइए। कोई गेम बताया जाता है तो उससे पहले कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए वो बताइए, एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, एक्सरसाइज कैसे होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले एक्सरसाइज करा दी फिर उसके बाद बता रहे हैं हम कि ये एक्सरसाइज हमें कब कब करनी है। आप उनको पहले इंस्ट्रक्शन ठीक से दीजिए, तो ये क्या है, सिस्टमेटिक में इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। इंसिडेंटल टीचिंग, इंसिडेंटल टीचिंग जो है आकस्मिक शिक्षण, एट द स्कूल स्टेज द टीचर कैन गिव इन गिव हेल्थ इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम सिचुएशन व्हेन देयर इज एन इंसिडेंट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज इन द स्कूल। जैसे इंसिडेंटल टीचिंग क्या होती है, जैसे हम क्लास में कभी कुछ पढ़ा रहे हैं और हमें किसी से पता चलता है, जैसे क्लास में कोई भी बच्चा मानो चिकन पॉक्स हो गया उसको या कोई ऐसी बीमारी कम्युनिकेबल डिसीज से ग्रसित है, तो हमें वहीं बच्चे को इन्फॉर्म करना है या हम कह सकते हैं कि बच्चे को हम इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप उनसे कैसे बच सकते हैं, आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने चाहिए, आपको कौन सी हैबिट्स डालनी चाहिए। तो ये क्या है, इंसिडेंटल टीचिंग है, जो चीज़ हमें सामने पता चली हम उसके बारे में तुरंत ही क्लास में इन्फॉर्म कर रहे हैं। जैसे आजकल COVID-19 है तो हर टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो उससे पहले भी उनको बच्चों को बात करता है और बताता है कि क्या क्या काम करना चाहिए क्या नहीं उसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट, लेक्चर्स ऑन हेल्थ बाय एक्सपर्ट। टाइम टू टाइम स्कूल की ड्यूटी होनी चाहिए कि वो हेल्थ एक्सपर्ट्स को बुलाकर उन पर लेक्चर दे। जैसे लेक्चर कराना चाहिए स्कूल को, जैसे आप एड्स पर करा सकते हैं या फिर आप हमारे ऑर्गन्स या हमारे सेंसेस के ऊपर करा सकते हैं, आप जो कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं उनके ऊपर करा सकते हैं। ऐसे आप किसी एक्सपर्ट को बुलाकर, किसी डॉक्टर को या किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट को, उनसे आप लेक्चर करा सकते हैं। प्रिंटेबल मटेरियल, बच्चों को प्रिंटेबल मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए स्कूल को, जैसे छोटी छोटी बुक्स प्रिंट करा दी या मार्केट से रेडीमेड मिलकर प्रोवाइड करना, या कोई जो पोस्टर्स होते हैं, पैम्पलेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनके बारे में बताना, या जो बुक्स आपकी लाइब्रेरी में हैं आप उनको बताइए कि आप इसमें ये बीमारी के बारे में पढ़ सकते हैं, देखिए कैसे बताया गया है। ऐसे ही उनको इन्फॉर्म करना और उनको अवेयर करना उस बीमारी से। फिल्म्स एंड फिल्म स्ट्रिप्स, कोई मूवी दिखाना बच्चे को। टाइम हम लोग ना आजकल बहुत सारी, जैसे एक मूवी का नाम लेते हैं ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा, तो वो एक कॉज को लेके बनी है, तो जैसे ऐसी रिलेटेड मूवीज दिखा सकते हैं बच्चों को, फिल्म स्ट्रिप्स या उसके बारे में बता सकते हैं कि आप अपने अपने घर जाके वो मूवी देख के आएंगे, उससे क्या आपको सीखा, आपने क्या देखा उसके बारे में हम क्लास में बात करेंगे। तो इस तरीके से आप बच्चों से बात कर सकते हैं और उनको मूवीज दिखा सकते हैं। स्कूल्स ब्रॉडकास्ट एंड रेडियो टॉक, स्कूल ब्रॉडकास्ट एंड रेडियो टॉक, जो स्कूल्स में या हम आज भी देखते हैं कि रेडियो पर क्लासेस चलती हैं या इंफॉर्मेशन आती है वो हम बच्चों को सुना सकते हैं। बच्चों जो जो प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल से रिलेटेड उसमें वो बच्चों को दिखा सकते हैं या हम बच्चों को ले जा सकते हैं अगर हमारी अप्रोच है वहाँ तक, तो प्रोग्राम्स में बच्चों को उसके थ्रू भी हेल्थ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। एजुकेशनल फील्ड ट्रिप्स, बच्चों को फील्ड ट्रिप करा सकते हैं, जैसे कोई कम्युनिटी सेंटर ले जा सकते हैं, किसी हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, रेड क्रॉस के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ ले जाना,
कोई एग्जीबिशन दिखाना, क्लिनिक की ऑब्जर्वेशन कराना, योगा सेंटर पे ले जाना, पब्लिक हेल्थ सेंटर पे ले आना, वाटर सप्लाई सेंटर ले आना, जो भी हेल्थ रिलेटेड हमारे एजुकेशनल हम विजिट करा सकते हैं जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है, जहाँ पर बच्चों को सामने देखकर उसको प्रेरित भी हो सकते हैं और उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं। हेल्थ वीक, एक ईयर में हमें एक हेल्थ वीक मनाना चाहिए जहाँ पर बहुत सारे चेक मेडिकल चेकअप कैंप्स भी लगा सकते हैं, उसमें हम लेक्चर करा सकते हैं किसी एक्सपर्ट के थ्रू, हम कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं वहाँ बच्चों को दिखा सकते हैं कि कैसे कराया जाता है, क्यों कराया जाता है। इस तरीके से आप एक वीक मना सकते हैं हेल्थ वीक, जिसमें आप बच्चों को बच्चे हेल्दी भी रहेंगे, बच्चे उसमें जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ स्पेशल टॉक भी करेंगे और उनसे हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बात कर सकते हैं। हेल्थ क्लब, हर एक स्कूल में एक हेल्थ क्लब होना चाहिए, जैसे आजकल रेड क्रॉस सोसाइटी, रोटरी क्लब ये सब बनाते हैं, और जिससे कि उनको टाइम टू टाइम हेल्प भी मिलती है और उनके बारे में, और जैसे रेड क्रॉस सोसाइटी होती है जो उनके प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कोई डिबेट कराना या फिर प्ले कराना, स्ट्रीट प्ले कराना, जिससे बच्चे ज़्यादा अवेयर होंगे और बच्चे खुद भी उस सोसाइटी या उस क्लब से मिलकर बाहर अवेयर करते हैं लोगों को। हेल्थ स्क्रैप बुक्स, हेल्थ स्क्रैप बुक्स भी बच्चों को इनकरेज कर सकती हैं, तो आप उनको बुक्स प्रोवाइड कराना चाहिए। अब बुक के जैसे फर्स्ट पेज पर एक हेल्थ या किसी का फोटो लगा हुआ है, अंदर कुछ नियम लिखे हुए हैं किसी बीमारी को लेकर, बहुत सारे उसके जो कैसे उसको प्रिवेंटिव कर सकते हैं, प्रिवेंशन हो सकता है, या उसके कॉजेज क्या होते हैं, हेल्थ रूल्स क्या होते हैं, ऐसी बुक्स जो आती हैं रिलेटेड उनको बच्चों को देना चाहिए और अपने रिकॉर्ड में भी रखना चाहिए, लाइब्रेरी रखनी चाहिए ताकि उसे बच्चे देख सकें। नेक्स्ट हमारी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम सर्विसेज आती है, हेल्थ सुपरविजन। अब तक हमने बात की कि हेल्थ सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, हेल्थ इंस्ट्रक्शन कैसे कैसे दिए जा सकते हैं बच्चे को, अब आता है कि उसी हेल्थ प्रोग्राम में तीसरा पार्ट होता है हेल्थ सुपरविजन का। सुपरविजन, जैसे हमने जो स्कूल बच्चों को हेल्थी इन्वायरमेंट दिया है, फिजिकली इन्वायरमेंटल स्कूल या हमने इंफ्रा बनाया है वो सही है या नहीं, जैसे वेंटिलेशन हो रहा है, वॉल तो नहीं टूटी है, पंखे प्रॉपर लगे हुए हैं, बच्चों को गर्मी तो नहीं है, इस तरीके की जो हम इंफ्रा है या उससे रिलेटेड चीज़ों को देख सकते हैं। सुपरविजन ऑन हेल्थ एंड हाइजीन इन स्कूल, स्कूल में जो भी वॉशरूम्स हैं वो गंदे तो नहीं हैं, ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा, आपका इंफ्रा के साथ आ जाता है। सुइटेबल लाइट एंड वेंटिलेशन, वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड टॉयलेट फैसिलिटी प्रॉपर प्रोवाइड हो रही है नहीं हो रही है, बच्चों के वॉशरूम जो हैं एवरी आर वो वॉश हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर पे कोई गंदगी तो नहीं है, वाटर पानी प्रॉपर प्रोवाइड हो रहा है, कहीं उसमें पानी में गंदगी तो नहीं आ रही। सुपरविजन ऑन क्लिनिनेस, क्लासरूम साफ है नहीं है, जब बच्चे सुबह आते हैं तो प्रॉपर उनकी टेबल साफ होती नहीं होती है। अप्रोप्रिएट फर्नीचर, जैसे उनकी हाइट के अकॉर्डिंग टेबल चेयर्स हैं नहीं है, ऐसा तो नहीं 12th क्लास की क्लास में फर्स्ट क्लास की टेबल चेयर्स पड़ी हुई हैं जिस पर बच्चे बैठ रहे हैं, जिन पर उनका पॉस्चर खराब हो रहा है। सुइटेबल इमोशनल इन्वायरमेंट, उपयुक्त भावनात्मक वातावरण, ये टीचर्स के और बच्चों के द्वारा बनता है कि टीचर उनके साथ किस तरीके से बिहेव करती है, जैसे अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ या उसकी चोट लग गई तो उसको टीचर सहानुभूति देना, उसको मतलब डरने से बचाना, उसको रोने से रोकना कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। सुइटेबल सोशल इन्वायरमेंट, उपयुक्त सामाजिक वातावरण, जैसे टाइम टू टाइम उनको विजिट कराना, कम्युनिटी विजिट कराना, क्लब्स विजिट कराना, सोसाइटी विजिट कराना, इससे क्या है कि बच्चे सोसाइटी से भी जुड़ते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एंड हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ इंस्ट्रक्शन एंड हेल्थ सुपरविजन। थैंक यू।